क्या केस था ये? ये एक्चुअली नी की तकलीफ से आए थे, नी पेन था, ये ऑर्थोपेडिक केस था। ओके। इनका एक्सरे करवाया था डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने इनको अपनी लैंग्वेज में ही कहा था कि गाठी घस गई है। हाँ। और बहुत ज़्यादा तुमको आराम की ज़रूरत है। हाँ। नी बेड लगाना पड़ेगा। हाँ। और बहुत रेस्ट करना पड़ेगा। हाँ। बैठना नहीं रहेगा, ज़मीन पर बैठ नहीं सकते। अच्छा। तो और ये ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, मतलब 7 साल से ये बीपी की दवा। हाँ। ले रहे हैं। अच्छा। और मैंने इनका दोनों मरतबा बीपी चेक की, दोनों सेशन में। हाँ। अभी भी 150-110 है। ओके। यानी वो मेडिसिन शुरू है, आज भी इन्होंने लिए रात में। हाँ। लेकिन अभी भी बीपी ज़्यादा ही है। अच्छा, हाई रहता है। तो मैंने इनको समझाया कि आप हाई बीपी का ट्रीटमेंट करो, उस वो रूट कॉज है बीमारी का। जी जी जी। और नी पेन तो उसका साइड इफेक्ट है, समझ लो, और एज फैक्टर भी है। जी। तो मैंने इनका बेसिक किया पहले सेशन में, और नी के थोड़े से 2-3 पॉइंट्स किए। हाँ। और आज इनको मैंने थर्ड डे बुलाया है। हाँ। और इन्होंने कहा कि 80% आराम है मुझे। इतना फर्क? बहुत फर्क है, बहुत परेशान थी मैं 6-7 महीने से। अच्छा। मैं भी 2 दिन ही हुए, 2 टाइम ही करे उन्होंने, तो मेरा एकदम आराम हो गया। डॉक्टर ने तो मेरे को बोला तुम्हारे घुटने में पानी हो गया। हाँ। तुम्हारे घुटने में खून जम गया। हाँ। तुम नीचे बैठ नहीं सकती अभी, नमाज भी नहीं पढ़ सकती, कुर्सी पे बैठ कर ही पढ़ सकती। कोई छोटे मोटे डॉक्टर के पास गए? नहीं, बड़ा था वो। कितना बड़ा था? जयराम हॉस्पिटल में मेरे को 400 रुपये फीस थी उन्हें। हाँ, 400 रुपये फीस से बड़ा डॉक्टर। हाँ, ठीक है। सोनोग्राफी भी करा है? इलाज नहीं करा है? इलाज भी किया, बहुत दवाई खाई, दवाई गर्म पड़ती थी, इलाज नहीं होता था। अच्छा, हाजमा वगैरह खराब हुआ उससे? हाजमा खराब, एसिडिटी भी होती थी, हाजमा भी खराब हुआ, चल नहीं सकती थी मैं घर में, पर अभी कल से देखो तो बहुत माशाल्लाह फर्क पड़ गया। अच्छा। और अभी आते ही साथ इन्होंने कहा कि सिर्फ थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी। तो मैंने इनके जो थोड़े पॉइंट्स थे नी के, हाँ, फॉलो अप भी मैंने कर दिए। अभी इनको थोड़ी यूनानी मेडिसिन दे दूंगी। ओके। वही सैनुअल फ्लूइड के हिसाब से, जॉइंट्स को अच्छा मजबूत करने के हिसाब से। ओके। बस ये जड़ से अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। आपको कल से आज में क्या फर्क लगा? दो से फर्क पड़ा, यानी आप चल फिर रहे, उठ नीचे उठ के बैठ रहे, नमाज पढ़ रहे, बैठ के नमाज पढ़े, सीधे भी सही जा रहे थे, कुर्सी बैठ कर नमाज पढ़े। ओ शाबाश, माशाल्लाह। कुर्सी बैठ के नमाज पढ़े थे, नीचे बैठ नहीं सकते थे, पर आप नीचे बैठ के सीधे में सही कर रहे हैं, सही सजदा कर पा रहे हो ना। हाँ। जो सज्दे से महरूम हो गया, मतलब वो सेहत से महरूम हो गया, अल्लाह की कुर्बत से भी महरूम हो गया, ये तो आखिरत का नुकसान हुआ। बाकी जो सज्दे से महरूम हो गया तो उसको कई सारी बीमारियां शुरू हो जाती। ये हमारी बेहतरीन एक पोस्चर है, एक आसन है, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अभी आप सजदा बराबर करते रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या लगता है लोगों को, इलाज ये कराना चाहिए? कराना चाहिए, यही इलाज चाहता। अभी ये खुद कह रहे हैं कि मेरा बीपी का भी स्टार्ट कर दो। अभी हम सब नहीं, हमारे रिश्तेदारों को यही लाने वाले, सब बोर हो गए, फायदा। मैडम ने जो आपको, डॉक्टर राहिला ने एक बात जो समझाई है कि आपकी बीमारी की रूट कॉज है आपका प्रेशर का हाई रहना, ठीक है ना। अभी उन्होंने जो फ्रूट जो था उसका इलाज किया, रूट आपका ब्लड प्रेशर। हाँ। और इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी दवाइयाँ नॉर्मल हो जाएगी और आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी। हाँ। ठीक है ना, और आपका प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप नासिक से आए तो यहाँ पे किसी रिलेटिव के यहाँ पे? सब ठीक। तो आप यहाँ पर हमारे पास आए, एक अच्छा पेशेंट हो गया, उसके रेफरेंस से आप यहाँ पर आए और आप भी अच्छे हो गए माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर और भी मरीज़ मिले आपको, कुछ जिनका भी रिजल्ट पूछा आपने? क्या कौन से मरीज? बहुत अच्छा हो गया ना उनका भी, हमने भी बताया भाई अच्छा इधर आए तो बहुत अच्छा फायदा हो गया। अच्छा, वो पेशेंट का किडनी फेलियर का केस था माशाल्लाह, वो भी अच्छा, वो आपके सामने आया, चलो बहुत अच्छा, अल्लाह सबको शिफा दे। देखिए इलाज आसान है अगर सही डॉक्टर मिल जाए तो, हाँ, वरना हॉस्पिटल के चक्कर और मेडिकल स्टोर के पास है ना। चलो, थैंक यू डॉक्टर साहब।